बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आपको रिव्यू दूंगी और बताऊंगी किस तरीके से आप सीरम का इस्तेमाल करके अपने स्किन को स्पॉटलेस, ब्राइट एंड रिंकल फ्री बना सकते हैं और उसके साथ साथ ये एक्नी पे भी वर्क करेगी। मंडेलिक एसिड जो है, इसका रिव्यू मैंने पहले किया हुआ है, ये तकरीबन आपको 800 की किसी भी मेडिकल स्टोर से ये मिल जाएगा। ये वाला मंडेलिक एसिड, ये एक सीरम है और इसका जो है यूज़ कुछ इस तरह है। अगर आप इसको सिर्फ इसको यूज़ करना चाहते हैं, रात को आपने इस्तेमाल करना है, इसके मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके का है। और सारा जो है इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, आप इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। एक्नी के लिए बहुत अच्छा है, स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है, एक्नी मार्क्स के लिए बहुत अच्छा है, एंटी एजिंग के लिए अच्छा है। उसके अलावा आपकी स्किन को फ्रेश करेगा और आपके जो है पोर्स को क्लीन करेगा, ब्लैक हेड वाइट हेड को ख़त्म करेगा, स्किन को जो है एक्सफोलिएट करेगा, डेड स्किन रिमूव करेगा और एक्नी स्कार्स ख़त्म करेगा। ये एक बेहतरीन जो है सीरम है, इसमें है मंडेलिक एसिड। ये मंडेलिक एसिड ही है जो ये सारे वर्क करेगा जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपने इसका इस्तेमाल कुछ ऐसे करना है, ये जैसे आप देख रहे हैं ये एक ड्रॉपर सा है इसके साथ, ठीक है। आपने कोई इस्तेमाल इसका ऐसे करना है कि रात को सोते हुए आपने कुछ ड्रॉप जैसे सीरम अप्लाई करते हैं बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई करना है, आपने अपने पूरे फेस पे लगा लेने हैं। एक्नी जहाँ है वहाँ भी और जहाँ एक्नी नहीं है पूरे फेस पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये ब्राइटनिंग का काम करेगा, रिंकल फ्री करेगा और ये आपकी स्किन के अंदर तक जाके आपकी स्किन पे वर्क करेगा, सिर्फ ऊपर से ही आपको निखार नहीं देगा। एक बेहतरीन सीरम है। तो इसके इस्तेमाल के साथ आपने क्या करना है, दूसरी बात आप लोग पूछ रहे थे कि कोई भी क्रीम के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं, आप किसी वाइटनिंग क्रीम में इसको ऐड नहीं कर सकते। जैसे आप इवन टोन सी क्रीम यूज़ कर रहे हैं या फिर फेयर एंड पिंक कर रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी वाइटनिंग क्रीम है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकेटेड है चाहे वो दूसरी हैं लोकल क्रीम्स हैं, इनके अंदर आपने हरगिज़ भी ऐड नहीं करना। इसको आपने किस में ऐड करना है, इसको आप ऐड कर सकते हैं जो है ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र में। अगर आपके पास ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र पड़ा है तो उसके अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं मेरे पास डव वालों को मॉइस्चराइज़र है, आपने इतना ही मॉइस्चराइज़र लेना है जितना कि आपने यूज़ करना है, तो आपने इसके अंदर जो है इसको ऐड कर देना है। अगर आप जैसे कि ये पूरा अगर सीरम ऐड करना चाहते हैं तो ये क्रीम वाला जार काफ़ी है, इसमें आप ऐड करके रात को लगाएं, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करें जैसे नॉर्मल क्रीम लगाते हैं या कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, उस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। उसके साथ पॉन्ड्स वालों की भी क्रीम है, जैसे कि आप देख रहे हैं पॉन्ड्स वालों की इतनी सी क्रीम है, तो इस क्वांटिटी में आपने इस सीरम का चौथा हिस्सा ऐड करना है। लेकिन अगर कोई आप बड़ा जार ले लेते हैं जिस तरह से ये है, तो आपने ये पूरा ही इसमें ऐड कर देना है और आपने रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करना है। पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, हाथों पे अप्लाई कर सकते हैं, गर्दन पे अप्लाई कर सकते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन रिजल्ट पाएंगे। तो इसको आप इस तरीके से अगर आप मिक्स करना चाहते हैं तो आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लेके उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आप क्रीम में कह रहे हैं तो क्रीम में बिल्कुल भी आपने ऐड नहीं करना, चाहे कोई भी क्रीम हो आपने उसमें ऐड नहीं करना। और क्रीम आप दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, रात में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पहले मंडेलिक एसिड यूज़ करें उसके बाद आप क्रीम लगाएं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। और बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है तो ज़रूर इसको लाइक कर दिया करें और साथ शेयर भी कर दिया करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।